Hello, my name is Vivek and I read in plus one. And my name is Abhishek Kumar and I am reading plus one class. And my name is Harpreet Singh and I am studying in plus one class. We are from Government Model Senior Secondary School, Sector 37B, Chandigarh. हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया है जिसका नाम है साउंड वेव बेस्ड फायर एक्सटेंशन और ये हमारा जो प्रोटोटाइप है वो स्वस्थ भारत के अंडर मिशन में आता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आग बुझाने के लिए काफी ज्यादा हैवी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं और आग बुझाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में पानी की वेस्टेज हो रही है और उन्हें कई बार कंजेस्टेड एरिया में पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें काफी वक्त लग जाता है ऑन द स्पॉट पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान भी हो जाता है। कई बार उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाया है। अब मेरा फ्रेंड आपको इसकी वर्किंग बताएगा। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने आपको बताया, जो फायर फाइटर्स होते हैं वो हैवी व्हीकल्स का यूज करते हैं, साथ ही साथ वो हैवी मटेरियल का यूज करते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है और उन्हें कंजेस्टेड एरिया में जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पर ये जो हमारा प्रोटोटाइप है बिल्कुल उल्टा है, हमसे ऑपोजिट है। ये इजी टू कैरी है, लाइट वेट, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, इजी ट्रांसपोर्टेशन में है और साथ ही साथ ये कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं करता और ये खुद अपनी साउंड जनरेट करता है जिससे हम आग बुझाते हैं। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव फायर एक्सटेंशन, ये जो हमारा प्रोटोटाइप है इसकी 100 टू 400 हर्ट्ज के बीच आती है और ये आग बुझाने का काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब ये साउंड जनरेट करते हैं तो पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन होती है जो जाके स्ट्राइक करती है उस मटेरियल पे और साथ साथ वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई कर देती है, जो बर्निंग थिंग होती है वो बुझ जाती है। अब आपको हम इसकी वर्किंग दिखाएंगे। ये हमारा RF मॉड्यूल है जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से चलता है। ये हमारा 435 मेगाहर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी एमिट करता है यहाँ से। अब आपको इसकी हम वर्किंग दिखाएंगे। जैसे कि देखिए आपने हमारे इस मॉडल की वर्किंग, ये है हमारा RF मॉड्यूल जिससे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से चलता है। ये यहाँ से फ्रिक्वेंसी वेव एमिट करता है और यहाँ पे हमने रिसीवर लगाया जो RF मॉड्यूल लिखी गया, ये आगे डीकोड करता है हमारी फ्रिक्वेंसी वेव्स को आर्डिनो के अंदर। आर्डिनो फिर कमांड देता है, हमने यहाँ पे एक मोटर ड्राइवर लगाया उसको जो है L293D, ये आगे हमारी मोटर्स को ऑपरेट करता है और इस व्हीकल को कंट्रोल करता है। लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था जो ऐसा ही था और जो उसमें रिमोट यूज किया था वो हमने वायर कनेक्टेड रिमोट यूज किया था और साथ ही साथ जो हमने वहाँ पे ब्रेन लगाया था वो रेडीमेड ब्रेन लिया था, ज्यादा बहुत ज्यादा महंगा था, कॉस्टली था। पर इस बार हमने खुद अपना ब्रेन डिजाइन किया है, खुद बनाया है और साथ ही साथ जो रिमोट लिया है हमने वो खुद वायरलेस बनाया है जो RF फ्रिक्वेंसी वेव से चलता है। अब आपको मेरा फ्रेंड इसके बारे में और बताएगा। इन फ्यूचर हम इसमें और चेंजेस लाना चाहते हैं, इसे और इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के साथ इस पर और इम्प्रूव करने के लिए उनकी हेल्प लेना चाहते हैं और इसमें IoT से कनेक्ट करना चाहते हैं इसे, और इसके अंदर एक कैमरा भी इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम इसे दूर से ही हम इसे कंट्रोल कर सकें और इसका व्यू देख सकें आगे का। और हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ फायर डिपार्टमेंट इसे अपने साथ इंप्लीमेंट करे और अपने टूल्स के साथ इंटीग्रेट करे और इसका बहुत फायदे हैं, जैसे कि जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी लाइफ डेंजर भी नहीं जाती और पानी की भी बहुत बचत होती है और वेस्टेज भी होती और उनको कंजेस्टेड एरिया में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू।